Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing determinants. We have done matrices, and in determinants we have done a few things. Today our focus would be to understand the concept of minors, cofactors, adjoint and inverse, and do some questions, especially the NCERT ones. And in case you have any doubt, you can put that in the comment box. Chalo dekho, hum log fir yahan se shuru karte hain, right? माइनर्स ऑफ कोफैक्टर्स, जैसे कि मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूँ, ठीक है, या एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है. सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है. हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, a11, a12, a13, a22, a23. This is A21 and 22, है ना? मैंने थोड़ा सा गलत किया मैंने. A21 and 22 and then 23. This is 21 and second row first column. Second row second column and second row third column. Similarly, third row first column, third row second column, third row and third column. तो मैंने यहाँ पे तीनों जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, नौ की नौ वैल्यूज मैंने यहाँ पे एंटर की, ठीक है. अच्छा, हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि इसके माइनर्स क्या होंगे. तो बहुत आराम से समझते हैं माइनर्स क्या होते हैं ना. ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ठीक है. माइनर्स क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं. अगर हम जिसको भी, जिसका भी माइनर निकाल रहे हैं, जिस एलिमेंट का भी माइनर निकाल रहे हैं, उसके रो और उसके कॉलम को अगर हम छोड़ दें, तो जो मेरे पास एक डिटरमिनेंट बनेगा, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है उसी को माइनर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं A11 का माइनर बताता हूँ, ठीक है. तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा M11, ठीक है, इस पोजिशन का. तो मैंने क्या बोला कि जिसका भी हम माइनर कंसिडर कर रहे हैं, वो वाली रो और वो वाली कॉलम को हम कैंसिल करेंगे, बाकी जो डिटरमिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू देखेंगे. तो ये A22, A32, A23 एंड A33, एंड यू नो कि इसको कैसे ओपन करना है ना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस, ठीक है. तो बड़े आसानी से इस तरीके से हम माइनर्स को देख लेते हैं. सपोज करो रैंडमली मैं A23 का माइनर देखना चाहता हूँ, ठीक है. सभी कैसे माइनर्स होंगे, तो मैं A23 का माइनर देखना चाहता हूँ. तो अब क्या होगा, इसका वाला रो और इसका वाला कॉलम कैंसिल होगा, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट A11, A31, A12 एंड A32, एंड देन वी ऑलवेज नो हाउ टू ओपन इट, ठीक है. तो माइनर्स हम इस तरीके से निकाल लेते हैं. माइनर्स और कोफैक्टर्स में ना, तो टोटल आपके पास ऐसे 9 माइनर्स निकल के आएंगे, है ना. एक आपका पूरा पूरा डिटरमिनेंट ऑफ माइनर्स बन सकता है ना. माइनर्स और कोफैक्टर्स में एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन होता है, ठीक है. ध्यान से देखना, आराम आराम से हर चीज को समझने की कोशिश करना. माइनर्स और कोफैक्टर्स में एक बहुत अच्छा सा रिलेशन होता है. वो क्या है? वो होता है कि अगर मैं कोफैक्टर को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लो उसकी ith रो है और jth कॉलम है, तो ये जो सी आई जे है ना, ये हमेशा कितना होता है, -1 की पार i+j इंटू दी माइनर ऑफ दैट पोजिशन. जो भी माइनर, मतलब न्यूमेरिकली कोफैक्टर्स और माइनर्स हमेशा सेम होते हैं. देयर साइन कैन बी डिफरेंट और सेम डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट i+j इज इवन और ऑड. इफ i+j इज ऑड देन इट विल बी अपोजिट साइन, है ना. और अगर i+j इवन है तो फिर माइनर कोफैक्टर का साइन सेम होगा, ठीक है. तो आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आती है, ठीक है. यहाँ से एक प्रॉपर्टी जो कि आई थिंक हमारे पास क्वेश्चन में है भी, कि सपोज करो मैं अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेता हूँ, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग ओपन कर सकते हैं. वी कैन ओपन दिस डिटरमिनेंट, राइट, A11 एंड सो ऑन. इस तरीके से इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है ना, ये जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, मान लो मैं A11 की बात करता हूँ, अगर मैं इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, C11, देन सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज A12 और इसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, ठीक है, प्लस द थर्ड वन विच इज A13 एंड C13. तो इससे मुझे क्या मिलती है, इससे मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है. ये हमें ध्यान रखना है, ओके, ये हमें ध्यान रखना है. आइए,
जैसे कि ये एक आध क्वेश्चन अपने पास एनसीईआरटी के हैं, आओ इनको करके देखते हैं। यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम के को फैक्टर्स के एलिमेंट्स को कंसिडर करते हुए इवैल्यूएट, हमें इंस्ट्रूमेंट को इवैल्यूएट करना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं अगर थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को, इनके पहले को फैक्टर्स देखता हूँ, तो आओ चलो देखा जाए पहले, है ना। थर्ड एलिमेंट में, थर्ड मेरे पास जो कॉलम है, इसमें सबसे पहले मैं रखूंगा C13, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, 11YZ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज Z-Y। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम पे आता हूँ, सो ZX है वो, है ना, ये कितना हो गया बच्चों, 1X एंड 1Z। सो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन Z-X। एंड सिमिलरली अगर मैं थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करता हूँ, विच इज XY, तो ये कितना हो जाएगा, 1X एंड 1Y। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, Y-X, ठीक है, दिस इज Y-X। नाउ वी आर वेरी श्योर कि अभी अभी हमने सीखा कि कभी भी कोई जो डिटर्मिनेंट है, राइट, जो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, वो दैट एलिमेंट ऑफ दैट रो और कॉलम इनटू द रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, हमने अभी प्लस माइनस नहीं किया ना, C13 ये माइनर्स है ना, तो C13 माइनर के इक्वल होगा बिकॉज सम 4 है, इवन है, बट 2, 3 अगर तुम सोचो तो क्या है, ऑड है, यानी कि इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -Z+X। C33 अगेन सम इवन है, तो ये मेरे पास Y-X ही रह जाएगा। अब मेरे पास आंसर क्या बोलना चाहिए मुझे, व्हाट इज द इवैल्यूएशन, राइट, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ध्यान रखना, अदरवाइज तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल ऑलरेडी हम लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं कि अगर कैपिटल AIG अगर को फैक्टर है और स्मॉल AIG अगर तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं, तो बताना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। वेरी इजी, A11 A31 नहीं भाई गलत है, A11 A11 रखा, A12 A21 गलत है ना, A21 हो गया, गलत हो गया, A21 एंड A11 A22 ये भी गलत हो गया, अलग अलग है, 1111 2121 3131, यस राइट। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम नहीं है ना, हाँ ये फर्स्ट कॉलम है, बिल्कुल सही है ना, बिकॉज ये फर्स्ट कॉलम है, ये तुम्हारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तुम्हारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पूरे फर्स्ट कॉलम को इन्होंने रखा है, तो कहीं से भी ओपन कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स को, ये तो बात तो आप जानते हो। तो अगर फाइनली इसको आंसर को रखोगे तो क्या बोलोगे बताओ, ये तुम्हारे पास हो गया C13, C13 पे तुम्हारे पास कितना आ गया, Y into Z, ठीक है, Y into Z, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z-Y से, और उसके बाद फिर हमारे पास ZX है, तो ZX हमारे पास एज इट इज ZX आ गया, यहाँ माइनस साइन अब नहीं करना, ठीक है, को फैक्टर से एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज -Z+X, ठीक है। और फिर हमारे पास तीसरा वो कितना है बच्चों, X into Y, इसको किसे मल्टीप्लाई करना है हमने, Y-X, दैट्स ऑल। ओपन करके देखिए क्या आ रहा है, दैट वुड बी द आंसर, YZ² - Y² Z प्लस, अब प्लस कर दिया तो X² लिख देता हूँ, X² Z, और ये कितना आ जाएगा, -XZ² और ये क्या आ गया, XY² एंड -X²Y, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस एंड को फैक्टर्स, ठीक है। इससे बिल्कुल रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एडजॉइंट और इनवर्स का, ठीक है, एडजॉइंट और इनवर्स का। एक बार अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, जैसे ये हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, अभी हमने पीछे लिया था, है ना, उसी को आप मान के चलो, सेम मैट्रिक्स कंसीडर कर लो, लेट्स से A11 एंड सो ऑन, ठीक है, हमारे पास 3x3 का, बिकॉज जनरली 3x3 तुम्हें ज्यादा दिखेंगे, 2x2 होगा तो उसका एडजॉइंट इनवर्स निकालना तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल अभी शॉर्टकट हम लोग सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट भी सीखते हैं, बिकॉज MCQ पेपर है, जहाँ पे शॉर्टकट्स मेरे पास अवेलेबल है मैं जरूर से शेयर करूंगा, और जहाँ प्रोसेस तो सीखना ही है, कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास एक 3x3 का मेट्रिक्स है, राइट, और मुझे इसका एडजॉइंट और इनवर्स चाहिए, तो एडजॉइंट ना कुछ और नहीं होता, तुमने अभी कोफैक्टर निकाला था ना, ठीक है, तो लेट से इसका एडजॉइंट मैं कहता हूँ, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट पता क्या होता है, इसके कोफैक्टर्स निकाल दो, पूरे नौ के नौ कोफैक्टर्स निकाल दो, तो ये रिस्पेक्टिवली C11 C12 C13 21 22 है ना, अलॉन्ग विद कंसिडरेशन ऑफ द साइन, है ना, I+J वो माइनस कर देना माइनर को, ठीक है, 23 C31 C32 एंड C33,
ये तो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स आया ना, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि जब हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट आती है मैट्रिक्स की, दिस इज ओनली कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? इसी को हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। 2 बाई 2 होता तो भी ऐसे कर लेते, कोई टेंशन नहीं, कोफैक्टर्स निकाल लेते और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा भाई, इनवर्स क्या होता है? व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है? इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट द इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर, है ना? क्या बोलते हैं हम लोग कि नॉन सिंगुलर है तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट आपका 0 हो गया तो नीचे 0 हो गया तो सब कुछ ही बेकार हो गया। तो मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना, यानी कि उसके डिटरमिनेंट का नॉन जीरो होना कंपलसरी है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो आई एम श्योर ये बेसिक बातें आप सभी को आती हैं। आइए इस पे क्वेश्चंस करते हैं ना, दैट वाज अ क्विक रिवीजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, ऑलराइट? और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग कि अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट निकालना है या इनवर्स निकालना है तो थोड़ा सा क्विकली हो सकता है ना? एनसीईआरटी में भी बहुत साफ साफ दे रखा है। अगर आपके पास कभी भी 2 बाई 2 का कोई भी मैट्रिक्स है और आपको उसका एडजॉइंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप उसके डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, है ना? और उसके जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं उसके साइन को आप चेंज कर देंगे, ठीक है? जैसे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ऐसा, ठीक है, 1 3 4 5, और सपोज करो मुझे ए इनवर्स चाहिए, ठीक है? तो मैं फटाफट से कैसे जानता हूँ? मुझे पता है कि ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट 2 बाई 2 का देखना बहुत सिंपल है, आप सभी लोग जानते हो, तो एडजॉइंट भी देखना उतना ही आसान है। क्या करना होता है हमें? हमें क्या करना होता है? डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, तो 5 और 1 हो गया, इसके साइन चेंज कर देने, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, -3 -4, तो एडजॉइंट तुमने निकाल लिया। अब इसको किससे डिवाइड करोगे? डिटरमिनेंट से, वो कितना है? 5 में से गया कितना? 5 में से गया हमारे पास 12, तो कितना हो गया? -7, यानी कि -1/7। तो व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स हम लोग कह सकते थे -5/7 +3/7 +4/7 एंड -1/7, ठीक है? इस तरीके से बड़े आसानी से 2 बाई 2 का एडजॉइंट इनवर्स जो भी कह रहे हैं बड़े आसानी से निकल आएगा, ठीक है? अब थोड़ा और आगे देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं राइट, थ्योरम्स के फॉर्म में दे रखी हैं, इसको भी समझते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? सपोज करो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन होना चाहिए था, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ओके? और ये आई भी तुम्हारे पास क्या है? ये आई भी तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है? ये आई भी क्या है आपके पास? डिटर्मिनेंट है, ओके? तो आप कभी भी अगर दो सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं राइट, आपने ए इंटू बी किया है, तो वो इंडी, बिकॉज डिटर्मिनेंट क्या है आपको पता है, एक वैल्यू होती है, ठीक है? सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी हमारे पास ए है डिटर्मिनेंट जिसका हमें इन्वर्स निकालना है या फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका कम्यूटेटिव होना जरूरी है राइट। ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू बी इंटू ए, एंड दैट बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ठीक है? कभी भी किसी भी दो मैट्रिक्स में अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो दो आपस में जो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट करने पे हमेशा क्या आएगा? आई आएगा। इस प्रॉपर्टी को 3 बाई 3 मैट्रिक्स में जब कभी इन्वर्स निकालना होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो इस प्रॉपर्टी को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मैं कभी भी इन्वर्स निकालने के लिए कोई और तरीका यूज नहीं करता। आई नेवर से दैट दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 बाई 3 अगर मैं एमसीक्यू पेपर में ऐसे करूंगा तब तो हो गया। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन को ए से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता हूँ जो गिवन क्वेश्चन में है, और जहां पे भी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है राइट, जहां पे भी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा दैट वुड बी माई आंसर। सो दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल टूल इन एमसीक्यू पेपर, एंड फॉर्चुनेटली इन टर्म वन इट इज एमसीक्यू पेपर, सो यू मस्ट यूज इट, ओके? अभी क्वेश्चन में करके देखते हैं इन केस वी गेट सम एमसीक्यूज देयर। आइए देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है राइट, अब अगर सपोज अब ऐसा क्वेश्चन तो एमसीक्यू में नहीं आएगा, बट यस दे माइट गिव यू कि दिस ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन राइट, दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। और ए इनवर्स की तुम्हारे पास 4 वैल्यूज दे सकते हैं, तो मैं तो इस पर कुछ भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे ए स्क्वायर भी नहीं निकालूंगा, एडजॉइंट नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं पता क्या करूंगा, मैं जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा। सपोज करो 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
तो मैं यहाँ 3/3 का एक उनमें से उठा के रखा, तो जिसमें भी मेरे पास यहाँ पे 100 010 001 आ गया, वही मेरा आंसर है। दिस इज फास्टर, बिलीव मी, 3/3 में दिस इज फास्टर, सॉल्व करने से बेटर होता है इस तरीके को यूज करना, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए, आइए देखिए। जैसे ये ए क्यूब है ना, और हमसे बोला गया हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले ये सब जब सब्जेक्टिव में आता था तो इसका प्रोसेस मार्क्स मिला करते थे स्टेप्स के, बट इस बार तो ऐसा नहीं है ना, तुम कैसे भी करके आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो देखो मैं इसको करके बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हमें ए स्क्वायर देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ए स्क्वायर देखा तो ए स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया बच्चों, दिस इज 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, ओके लेट्स कंटिन्यू अगेन। सो हम ए स्क्वायर देखना चाह रहे थे और ये वैल्यूज में दिख रहा था -1 2 and -1 1 -1 and 2। मल्टीप्लाई किया जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आपके पास एमसीक्यू टाइप में आ जाए तो ऑप्शन से इवैल्यूएट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दैट इज हाउ सर, व्हाई डोंट यू मैनिपुलेट द इक्वेशन, इवन व्हेन यू मैनिपुलेट द इक्वेशन अर्पित, देयर इज ए क्यूब, राइट, देयर इज ए क्यूब, सो इन ऑर्डर टू गेट ए इनवर्स यू हैव टू गेट ए स्क्वायर। देखो मैं करके बताता हूँ, आई जस्ट डू इट फॉर यू। इफ आई मल्टीप्लाई लाइक, देखो ये ए क्यूब है, देखो मैं बताता हूँ मैनिपुलेशन से कितनी मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, मैं यहाँ करके बताता हूँ। 6a² 9a इज इक्वल टू 4i, ठीक है। विल कॉन्टिन्यू टिल 3 o'clock, डोंट वरी, ठीक है। यू विल रीजॉइन वन मोर टाइम, आज मेरी क्लास नहीं है इसके बाद, तो आई विल बी कॉन्टिन्यू टिल 3 o'clock। अब मैं अगर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस वुड गिव मी ए स्क्वायर, दिस वुड गिव मी 6a, एंड दिस वुड गिव मी 9 times of i, एंड दिस वुड गिव यू वॉट 4 times of a inverse। तो ए इनवर्स इवन इफ यू आई मीन डील विद दिस, यहाँ पे ए स्क्वायर तो इवन इन द वर्स्ट केस यू हैव टू गेट ए स्क्वायर, और कोई फर्दर मैनिपुलेशन करे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अगर तुम ए इनवर्स एक बार फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो वट वुड यू एंड अप, ए इनवर्स का स्क्वायर चाहिए होगा, इनवर्स का स्क्वायर करने से अच्छा है कि ए का स्क्वायर करना, ठीक है। सो मैनिपुलेशन इज पॉसिबल बट आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, ओके। तो चलो देखो मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, कितना हो गया ये 2 + 1 + 1 कितना आ गया 4, ठीक है ना, 4 + 2 = 6 होता है, दिस कमिंग आउट टू बी 6, ओके। कैलकुलेशन में थोड़ा केयरफुल रहना, सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा हो जाते हैं इस तरह, मेरे तो काफी हो जाते हैं, आपको केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया -2 -2 -4 हो गया और -1, यानी कि कितना हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी -7 आई गेस, -2 -2 and -1 -5 हो जाएगा, -5, 2 के साथ हमारे पास 1 आ गया, 2 के साथ हमारे पास 1 आ गया, और 2 × 1 × 1 and 1 × 2, ये भी 5 आ रहा है, ऊपर हमने फर्स्ट वाले में गलत कर दिया गया, फिर से देखो जरा, ये हमारे पास 4 है, बस 1 है, ये हमारे पास 1 है, ये 5 सही लग रहा है, ये 6 सही लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 × 2 1 × 1 and 2 × 2, आई थिंक दैट इज कमिंग आउट टू बी 5 ऑनली, ठीक है। सो आई थिंक LHS में क्या लिखा तुमने सर, LHS में A3 का होल स्क्वायर है, A3 का होल स्क्वायर कहाँ है यार, A क्यूब है, इट इज, ठीक है सर, ये वाले में A की स्क्वायर -6a + 9i। अच्छा ये आप ये कह रहे हो कि ये, अच्छा हाँ, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, ये तो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया तुमने, ऐसा हम सोच सकते थे, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट होता क्या, चलो वो भी सोचते हैं, थोड़ा करके देखते हैं फिर वो भी सोचते हैं, राइट। ये कह रहे हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं, मैं इनकी बात यहाँ पे, सर हाँ बोलो बेटा, सर इसे क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व नहीं कर सकते a² - 6a + 9 को, ए इनवर्स कैसे निकालोगे बच्चे, ए इनवर्स निकालना है ना, यू हैव टू गेट ए इनवर्स, चाहे कैसे भी करो, तो क्वाड्रेटिक से क्या ही फायदा हो जाएगा वहां पे। देखो फिलहाल इसकी एक बात तो मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है कि अगर मैं यहाँ पे इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, राइट, होल क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश, तो a - 3 का होल क्यूब ऐसा कुछ होता हुआ लगता है, a - 3 का होल क्यूब,
अच्छा जरा सोचें, ये माइनस थ्री का होल क्यूब, नहीं ये माइनस थ्री का होल क्यूब तो नहीं बन पा रहा है ना, बिकॉज ए माइनस थ्री के होल क्यूब में हमारे पास माइनस 27 आएगा और माइनस थ्री ए स्क्वायर, तो नहीं ए माइनस थ्री का होल क्यूब तो नहीं बन पा रहा है राइट, किसी भी तरीके से बन पा रहा है, आई डोंट थिंक कोई ऐसा होल क्यूब बन पा रहा है। ये जो मैनिपुलेट करके ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9 आई आया, हाँ इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9, और उधर भी प्लस 9 कर देंगे तो हाँ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आरएचएस में चला जाएगा। हाँ इसको ये जो हमारे पास मैनिपुलेट करके आया है इसको एक बार को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं कि ए माइनस थ्री आई का होल स्क्वायर, दिस इज पॉसिबल राइट, ये वाली बात डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ये मेरे पास जो है ये फोर, लेकिन इससे फायदा कैसे होगा यार, तुम फिर से अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो तुम्हें यहाँ पे थ्री आई करोगे, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना, इवन इन दैट केस यू नीड टू डू, मतलब एक बार तुम्हें स्क्वायर तो करना ही पड़ रहा है ना, तो कैलकुलेशन में रिडक्शन कहाँ से हुई, ये तो आप क्या करना चाह रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो कि ए स्क्वायर को कम करना चाह रहे हो कि आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े, बट इफ यू लुक एट द कंडीशन आप जिस भी आउटकम पे आ रहे हैं वहां पे एक बार स्क्वायर तो करना ही पड़ रहा है, तो दैट इज द मिनिमम दैट वी नीड टू डू, ठीक है, चाहे आप इसका स्क्वायर कर लो या इसका स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही है। ओके लेट मी डू इट हेयर, आइए आगे करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया माइनस वन से गया तो मैंने माइनस टू, माइनस टू अगेन एंड माइनस वन, कितना हो गया माइनस फाइव, इट्स माइनस फाइव। ओके सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम प्लस वन प्लस टू एंड प्लस वन, तो टू टू फोर और इधर मेरे पास आ गया सिक्स, इट इज कमिंग आउट टू सिक्स, ऐसा लग रहा है कि सिमेट्रिकल होने जा रहा है ना, ऐसा देख के लग रहा है अभी तक, देखते हैं। सेकेंड रो को किया, इधर मेरे पास आ गया माइनस वन और माइनस टू एंड माइनस टू, तो माइनस टू माइनस टू गया माइनस फोर और ये माइनस फाइव, बिल्कुल सिमेट्री सी आती जा रही है ना। अच्छा तो यहाँ पे अगर मैं अब सोचूं तो मैं इसको सीधा फाइव ले लूँ और इसको सीधा माइनस फाइव ले लूँ और इसको सीधा मैं सिक्स ले लूँ, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। अब मैं यहाँ पे इसके अगर आंसर्स को कैलकुलेट करूँ, मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स मेरे पास कितना हो गया, फोर टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, सिक्स माइनस फाइव एंड फाइव, माइनस फाइव एंड सिक्स एंड माइनस फाइव, एंड यू हैव फाइव माइनस फाइव एंड सिक्स, ठीक है। आई होप वी हैव डन द कैलकुलेशंस करेक्टली, ठीक है। माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ ए, तो मैं सीधा इसको ना सिक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सिक्स टाइम्स ऑफ ए करूंगा तो ये सिक्स टू जा ट्वेल्व, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, दिस इज माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व, माइनस सिक्स, ठीक है। और क्या है, और हमारे पास है सिक्स माइनस सिक्स एंड प्लस ट्वेल्व, ठीक है। अच्छा और क्या करना है मुझे, और मुझे करना है नाइन टाइम्स ऑफ आई, ठीक है। तो नाइन टाइम्स ऑफ आई करने में भी कोई तकलीफ नहीं है, नाइन टाइम्स ऑफ आई करने में कोई तकलीफ नहीं है हमारे को, राइट। जीरो जीरो नाइन, जो भी यहाँ प्लस माइनस करके आएगा उसको फिर फोर से डिवाइड कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ इनवर्स। चलो लेट्स ट्राई एंड रीच द आंसर। देखो डिटर्मिनेंट्स में अगर ऑप्शन होते तब तो मैं ऐसे कभी नहीं करता एमसीक्यू क्वेश्चन, सीधा ऑप्शन यहाँ पे रखता और देखता कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ पे बन रहा है, दैट इज व्हाट आई वुड हैव डन, ठीक है। आओ चलो करके देखते हैं, लेट्स रीच द आंसर। तो छः और नौ, पंद्रह, पंद्रह में से बारह गया तो ये आ गया तीन, तो मैं इसको तीन बाई चार लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं चार से डिवाइड करता चल रहा हूँ। ओके यहाँ मैंने देखा तो ये हो गया माइनस सिक्स और माइनस का माइनस ये बस कितना जाएगा प्लस सिक्स, तो छः में से पाँच गया तो ये हो गया एक, तो ये हो गया एक बाई चार। ओके और इधर अगर देखूँ एलिमेंट तो पाँच में से छः गया तो ये हो गया माइनस एक और ये हो गया माइनस एक बाई चार। ऑल राइट इधर देखता हूँ तो माइनस पाँच और ये प्लस छः, तो ये फिर से देखो सिमेट्रिकल आ रहा है ना, कब सब कुछ सिमेट्रिक सी लग रही है, ठीक है यहाँ पे आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखूँ तो फिर से सेम एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ मेरे पास थ्री बाई फोर ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे वन बाई फोर आया था। ओके यहाँ पे देखता हूँ वन बाई फोर आना चाहिए, देखता हूँ तो यस वन बाई फोर आ जाता है फिर से, मतलब आंसर इसमें पूरी पूरी सिमेट्री है राइट, वन बाई फोर, तो ये अच्छी बातें होती हैं राइट, कहीं ना कहीं सिमेट्री आपको मिल जाती है और उसे कैलकुलेशन देखना थोड़ा ईजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। यहाँ फिर से देखो तो कितना आ गया, ये माइनस वन बाई फोर आ गया राइट, सिमेट्रिक हो रहा है। अच्छा यहाँ फिर से अगर मैं देखूँ तो ये प्लस वन बाई फोर आ गया आपकी बार, और यहाँ तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है ये कितना है थ्री बाई फोर। तो ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू, थोड़ा सा इसके डिटर्मिनेंट की साइज को ठीक कर देते हैं,
राइट, हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज दी वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. ठीक है बच्चों, आई होप यू गेट दिस, आई होप यू गेट दिस. जल्दी से एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद तुम रीज्वाइन करोगे. ठीक है, यू विल रीज्वाइन यूजिंग द सेम लिंक. Let L, let A be a non-singular matrix of 3 by 3, adjoint of A is equal to 1. Very, very easy question. ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है और तुमसे बोला जाता है कि adjoint of A कितना होगा, तो ये 3 by 3 है. अच्छा जी, 3 by 3 है, ओके ओके. तो अपने को क्या पता है, अपने को सिर्फ इतना पता है adjoint of A, right? Adjoint of A is, अच्छा मुझे A और एडजॉइंट के बीच का रिलेशन चाहिए. अच्छा कोई बात नहीं, क्या रिलेशन था एडजॉइंट ऑफ ए का, अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ तो मेरे पास क्या रिलेशन आता है, मेरे पास हाँ एग्जैक्टली डिटरमिनेंट. वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसा कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं, डिटरमिनेंट की पार एन माइनस वन. हाँ है ना, है तो सही, बिल्कुल सही कह रहे हो. राइट, तो ये क्योंकि 3 बाई 3 है तो हमारे पास डिटरमिनेंट की पार यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. अच्छा यहाँ थोड़ा सा अगर मैं ये भी सोचूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ में भी आ रहा है कि ए इनवर्स जो है हमारे पास एडजॉइंट है और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास ए का डिटरमिनेंट है. अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, राइट, अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास एडजॉइंट का डिटरमिनेंट आता है, बिकॉज ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स इज एग्जैक्टली सेम वैल्यू ही होती है ना. आप अगर इनवर्स का डिटरमिनेंट लेते हो, राइट, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दे भी रखा है कि अगर तुम्हारे पास डिटरमिनेंट का इनवर्स है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ.